नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अनदर YouTube वीडियो में। सो, इस एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे। सो, आज का मेजर टॉपिक है हमारा किसान ग्रो कैटेगरी के अंदर किसान 100 के। आज हम ट्रेनिंग को डीप से डीप हम एजुकेशन लेंगे हमारे किसान 100 के प्रोडक्ट को। सो, सिंपल ये है किसान 100 जो प्रोडक्ट, इसका कंटेंट है 500 ml, इसका DP प्राइस है 370 रुपये, MRP है 466। सो सिंपल इस किसान 100 के बारे में हम डीप एजुकेशन लेंगे। सो सिंपल देखिए, आप एक पॉइंट नोट आउट कीजिए, किसान 100 क्यों है 100? आपने तो सुना है इससे पहले के जो कंपनीज के अंदर आपने जो सुना होगा, शायद ढेर सारे कंपनीज अभी मार्केट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एग्जांपल देखिए, वो 80%, 82%, 85% इस तरह के कुछ नेम रख के इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग करियर जो एक किसान के लिए, मतलब कोई भी समझौता नहीं किया है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी को इन्होंने मेंटेन किया है। सो सिंपल, इस किसान 100 का मीनिंग क्या है, इस 100, 80, 85% का मीनिंग क्या है बोले तो, सो सिंपल देखिए, ये एक इंडिकेशन है, मतलब इंडिकेशन है इसका इंग्रेडिएंट्स जो इसका जो इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करने किया गया है, मतलब किया जाने वाला इंग्रेडिएंट का परसेंटेज है। एग्जांपल देखिए, 80% है बोले तो 80% इंग्रेडिएंट है, 85% है तो 85% इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया गया है। सो सिंपल, इंग्रेडिएंट कौन सा, वो 100% इंग्रेडिएंट बोले तो इसके अंदर एमल्सन जो इस्तेमाल किया जाता है, एमल्सन, सिलिकास, पीएच बैलेंस्ड एंड अदर इंग्रेडिएंट को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो सिंपल, सो अदर कंपनीज क्या करेंगे, 80-82% यूज करेंगे, रिमेनिंग जो होता है 20-18% जो है उसके अंदर पानी का मिक्स करेंगे या मिल्क वाटर का मिक्स करेंगे या फोमिंग, जो फोमिंग वाटर रहता है उस फोमिंग वाटर को मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, कंपनी तो अच्छा फायदे में रहेगी, लेकिन जो इसका मिक्स करने से, इसका मतलब जो मतलब मिलावट करने की वजह से क्या होगा, उसका जो इंग्रेडिएंट पे है उसका असर पड़ेगा, एक बेटर हमको रिजल्ट नहीं दे पाएगा इसका मिलावट के कारण। सो सिंपल, विनफिनिट ने इसको बिल्कुल किसान के साथ समझौता नहीं किया, 100% इंग्रेडिएंट डालकर बेटर रिजल्ट देने के लिए ये विनफिनिट के अंदर प्रोडक्ट को बनाया गया है। सो सिंपल, इसका काम क्या है, जो विनफिनिट किसान 100 का काम है, यह है एक्टिवेटर वेक्टर स्प्रेडर। इसका काम क्या है, इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्टिसाइड। ओके, ये क्या काम करेगा बोले तो, पेस्टिसाइड का जो मतलब कीटनाशक आप यूज करेंगे उसका परफॉर्मेंस को ये बढ़ाएगा, फिर आके उसके इफेक्टिवनेस को ये इंग्रेडिएंट मतलब इंक्रीज करेगा, जो भी आप पेस्टिसाइड यूज करेंगे उसका मतलब इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द वेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब पानी के बहाव को ये ज्यादा से ज्यादा रखेगा करेगा। मतलब एग्जाम्पल देखिए, जो पेड़ के जो पेड़, मतलब जो जड़ों के आसपास जो पानी का बहाव को ये टिका के रखेगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब ड्राई होने नहीं देगा। फिर आके इट अलो यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ स्प्रे डिपॉजिट, जो आप स्प्रे करेंगे उसके एक यूनिफॉर्मली है, मतलब उसका स्प्रेडिंग को एक कैपेसिटी, मतलब स्प्रे को डिपॉजिट करके रखेगा, मतलब वो हवा हो या बारिश हो इसके कारण जो नीचे, मतलब स्प्रे करते ही आपको वो उसका वेस्टेज हो जाएगा, तो वो वेस्ट होने नहीं देगा, ये पत्ते पर पकड़ के रखेगा, जो वो डिपॉजिट करके रखेगा जब तक वो पेड़ यूज ना कर ले। सो सिंपल, ये मेजर इसका इम्पोर्टेंट काम है। सो क्यों हम किसान 100 को यूज करें, Why should I use किसान 100, क्यों हम यूज करें। सो सिंपल देखिए, सो सिंपल मैंने पहले ही बोला है, पेस्टिसाइड के कैपेसिटी को ये ज्यादा से ज्यादा करेगा, ये वेटिंग एजेंट है। सो वाटर, मतलब वाटर इरिगेशन करने पर हमको ये पानी जो अगर से कम है बोले तो कम, मतलब पानी को ये हमको कंट्रोल करके देगा। सो सिंपल, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इनपुट कॉस्ट बाय हेल्पिंग रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक DAP एंड यूरिया। सो सिंपल देखिए, आप DAP यूरिया जो भी खाद का इस्तेमाल करेंगे, अगर से इसका इस्तेमाल आप करेंगे बोले तो सिंपल, उसका जो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है, उसका जो आपका खर्चा है, उसको खर्चे को यह कम करेगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिपीटेड इनपुट कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड का बार बार आप छिड़काव, इंसेक्टिसाइड हो, फंगीसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, इनका बार बार आपको, मतलब लगातार एक से दो बार स्प्रे करने पर जो आपको रिजल्ट आएगा,
उसको ये कंट्रोल करेगा, ये क्या दो स्प्रे में ही आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला के देगा। कैन बी यूज इन इरीगेशन एड विथ वाटर, हम पानी के साथ भी इसको छोड़ने से हमको ये पानी की मतलब पानी के कम होने पर भी ये मेंटेन करके हमको बेहतर से बेहतर हमको यील्ड लेकर के देगा। सो सिंपल, वेयर कैन आई यूज किसान हंड्रेड, मतलब कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे बोले तो ऑन क्रॉप्स, कोई भी फसल हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एग्जाम्पल फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, गुल्फ क्रोसेस हो, हाउस होल्ड मतलब घर के अंदर जो भी आप उगा रहे हैं, फिर आगे नर्सरीज हो, किचन गार्डन्स में हो, हर जगह इस प्रोडक्ट का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। मेजर आज इसका डायरेक्शन मतलब इसको किस तरह से हम यूज करें, सो सिंपल देखिए, स्प्रे के लिए ओके, फोलियर स्प्रे के लिए मतलब इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर और प्लांट स्प्रे के लिए इसका मतलब डोसेज है 5 ml फॉर 15 लीटर वाटर। सो 15 लीटर स्प्रे टैंक के लिए 5 ml का ही इस्तेमाल कीजिए। सो सिंपल एक बात याद रखिए, इसका डोसेज आप ज्यादा मत कीजिए, 4 to 5 ml ही है। सो सिंपल इसका डोसेज इससे ज्यादा मत कीजिए, क्यों बोले तो इसका इंग्रेडिएंट 100% होने की वजह से ये पत्तों पर मतलब इफेक्ट पड़ेगा, वो पत्ता मुरझा जाने लगेगा आपको अगर से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। सो सिंपल आपको 4 to 5 ml ही आपको इस्तेमाल करना है। विद हर्बिसाइड, हर्बिसाइड के साथ इसको 20 ml है 15 लीटर वाटर टैंक के लिए। नेक्स्ट आके फॉर इरिगेशन पर्पस, मतलब ड्रिप इरिगेशन के लिए मतलब पानी के साथ बहाव करने के लिए है 160 ml इन 80 लीटर वाटर पर एकर, मतलब 180 ml लेकर 80 लीटर पानी के साथ मिक्स कर पर एकर को इसे ड्रिप के साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, आपके मतलब मिट्टी के अंदर का जो पानी का बहाव है वो बेहतर से बेहतर ये करके देगा। सो सिंपल ये रहा इसका डोसेज। सो सिंपल हाउ मच किसान 100 रिक्वायर्स व्हाट इज हेल्प्स टू अप्रोक्सीमेट यूसेज, सो सिंपल देखिए ये किसान पर कितना पैसे का बचत लगा, मतलब कितना पैसा किसान का बचत करेगा। सो सिंपल ये देखिए, इससे जो मैं आप नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ चार्ट में, आप देखकर आप दंग रह जाएंगे, इतना ये पैसा एक किसान का बचा के देगा किसान 100। सो सिंपल देखिए, ये किसान बॉटल 500 ml का आएगा। सो सिंपल स्प्रे के लिए ओके, तो 100 स्प्रे टैंक्स के लिए ये आएगा जो 15 लीटर के कैपेसिटी होंगे, तो एक कॉस्ट, एक टैंक का कॉस्ट रहेगा 3 rupees 70 paisa में ये उनको लगेगा, 15 लीटर कैन के लिए सिर्फ 3 rupees 70 paisa लगेगा। फिर आके हर्बिसाइड के लिए एक टैंक के लिए ओके, एक टैंक के लिए 14 rupees 80 paisa ये उनको खर्चा आएगा। इरिगेशन पर्पस के लिए एक एकर को 123 rupees per acre उनको खर्चा आएगा। सो सिंपल देखिए, इतने कम लागत में उनको 1 to 2x यील्ड लेकर के देगा किसान 100। सो सिंपल इतनी देर हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सो सिंपल जो कोई भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, 100% हम सॉल्व करेंगे। सो सिंपल इसी तरह आप इस चैनल में कनेक्ट रहिए हर दिन, जो आपको एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हर एक प्रोडक्ट की आपको ट्रेनिंग इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। भी आपका अभिप्राय है सो सिंपल उस कमेंट में आप कमेंट कर हमारे हमें अप्रिशिएट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, विश यू इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ।